क्या बिग बॉस ओटीटी के घर में हो रहा है नेपोटिज्म या फिर यू कह लो कि फेवरेटिज्म? आखिर क्यों इस तरीके की बातें होना शुरू हो गई हैं? अभी आप अगर सब एपिसोड देख रहे हैं, सब ओटीटी पर एक साथ हैं, तो आखिर क्यों इस तरीके की बातें होती हुई दिख रही हैं? और आखिर किसने उनके घर में एंट्री लेते ही इस कंटेस्टेंट की उनको तुरंत ही ट्रोल कर दिया है? आखिर कौन है ये? आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूस और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदो। अगर बात की जाए इस बार बिग बॉस ओटीटी की, तो यार बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे आए जिनका जलवा हमको देखने को मिला, और कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे आए कि जिन्होंने आते ही कहीं ना कहीं जनता की आंखों में अपनी नज़र तो बना ली कि जनता उनको देख रही है, लेकिन थोड़े बहुत विलन जैसे भी साबित हो गए। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो भाई सबसे नई चीज़ जो हुई है वो ये है कि बिग बॉस करेंसी मिलने वाली है पब्लिक को, जनता को। जो चीज़ सबसे नई है कि बिग बॉस करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई गई है राशन के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए बिग बॉस के घर में। हो सकता है नॉमिनेशन वगैरह से भी बचने के लिए कहीं ना कहीं करेंसी इंपॉर्टेंट हो, नहाने के लिए भी करेंसी बताई जा रही इंपॉर्टेंट है। तो इस मूवमेंट पे एक कंटेस्टेंट की एंट्री होती है जिनका नाम है साइरस। साइरस जो है वो काफ़ी समय से इंडस्ट्री में एक कॉमेडियन है, बहुत समय से लोगों को आसान है, कॉमेडियन है, एंकर, होस्ट है और बहुत ही बढ़िया फिल्मों में भी वो काम कर चुके हैं और उनको जनता जो है बहुत समय से जानती है। लेकिन आपको बताऊं तो साइरस ने जब बिग बॉस के घर में एंट्री ली थी तो जनता के हिसाब से उनकी जो रेटिंग थी वो थी नंबर 10 की, और नंबर 10 पे उनको जो अमाउंट मिला था वो था 20,000 रुपये का। और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं जो पैनलिस्ट थे उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। पैनलिस्ट से बातचीत के बाद उनको सीधे सीधे जो नंबर मिला, जो रैंक मिला वो था नंबर 2, और अमाउंट जो मिला वो था 135,000 रुपये। मतलब कि भाई उसके बाद इस एक मोमेंट के बाद जनता ने चीज़ शुरू कर दी कि नेपोटिज्म हुआ है बिग बॉस के घर में, बिग बॉस ओटीटी के घर में। अगर यही चीज़ थी तो फिर आप लोगों ने अभिषेक और जिया शंकर को 75,000 रुपये एक साथ देके क्यों भेजा? आप चाहते तो उनको भी रैंकिंग दे सकते थे, जबकि फुकरा इंसान तो नंबर 1 पे थे। तो ये चीज़ क्यों हुई, साइरस को नंबर 2 पे दिया गया? और साइरस जैसे घर में एंट्री करते हैं वैसे तुरंत अभिषेक मल्लान ने कमेंट भी किया कि दोस्ती का फायदा हो गया, इस वजह से इतने पैसे मिल गए आपको, ज़्यादा पैसे मिले नंबर 2 आए तो आप। और साथ ही साथ अभिषेक ने ये भी बयान दिया, ये भी बात बोली कि यार कितना कैसा जोकर भेज दिया बिग बॉस वालों ने, कैसा जोकर भेज दिया, ये 6 फुट का बंदा हाफ शड्डी में बिग बॉस के घर में आया, जोकर ही लग रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस पर साइरस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं अगर उनको ये बातें पता चलेंगी तो। और यही जो अभिषेक ने बिग बॉस के घर में बोला दोस्ती का फायदा हो गया, इस पर क्या रिएक्शन आएगा बिग बॉस और सलमान खान का, इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या नेपोटिज्म हुआ, क्या ये चीज़ वन साइडेड हुई, क्या फेवरिज्म था? हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रही हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।